दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि मुझे एक चीज बता दो कमेंट सेक्शन में कि आपका बाकी सब्जेक्ट का तो ठीक है चलो चलता है, लेकिन इंग्लिश का कितना प्रिपरेशन हुआ वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और क्या डिफिकल्टी आ रही है आपको वो भी हमें बता देना। और आज रात आपके लिए रात 8:30 बजे हमारा जो ग्री ट्यूटोरियल्स का यूट्यूब चैनल है उस पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए आने वाला है, जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ, और आपको क्या दिक्कत आ रही है उसे कमेंट करना भूलना मत दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर कर दो, क्योंकि आज जो खुशखबरी हम आपके लिए लेकर आने वाले उसे देख के उसे सुन के आप तो मजे में ये हो जाओगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपकी इवैल्यूएशन प्लान की, तो रिटन एग्जामिनेशन और आपका जो ओरल टेस्ट होता है टोटल एक्चुअली 100 मार्क्स का होता है, जहां पर रिटन आपका 80 मार्क्स का और आपका ओरल जो होता है आपका 20 मार्क्स का, और ऐसे कुल मिला के आपके 100 मार्क्स का क्या बनता है, आपका पेपर क्या डिसाइड होता है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन जो रहता है आपका सेक्शन 1 जो होता है वो आपके 34 मार्क्स का आता है आपको। ठीक है, वहीं सेक्शन 2 पोएट्री वाला जो सेक्शन होता है वो आपके कुछ 14 मार्क्स का आता है। वहीं सेक्शन 3 राइटिंग स्किल आपको 16 मार्क्स के लिए क्या पूछा जाता है, जहां पे टोटल आपको 12, ठीक है, 12 से 16 आपको क्या दिए रहते हैं और उसमें से आपको क्या 16 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है। सेक्शन 4 जिसे हम क्या नॉवेल वाला बोलते हैं, अब नॉवेल सेक्शन की अगर बात करूं तो टोटल कितना मार्क्स का होता है, 16 मार्क्स का होता है। यहाँ पे अब यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 1 प्रोज में आपको पूछा क्या जाता है। सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन नंबर 1A यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड ऑन टेक्सुअल यानी सीन पैसेज के ऊपर क्या आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि आपके कितने मार्क्स कंसिस्ट करते हैं, आपके 12 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपको लैंग्वेज स्टडी भी आती है। अब ये जो ग्रामर आता है इस पार्ट में वो नॉन टेक्सुअल ग्रामर होता है, यानी आपके टेक्स्ट बुक में जो ग्रामर नहीं उसके अलावा आपको ग्रामर क्या पूछा जाएगा, जहां पे दो टाइप में बांटा जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, एक आपका डुअल डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएंगे, वेदर इट विल बी गिवन यू असर्टिव सेंटेंस आपको एक्सक्लेमेटरी में बोला जाएगा, इंट्रोगेटिव दे आ रहेगा तो आपको ऐसे चेंजेस करने के लिए बोला जाएगा, तो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। वही एक्टिविटी बेस्ड होती है नॉन टेक्सुअल पैसेज पे वो आएगा आपको कितने मार्क्स के लिए, आपको आएगा 12 मार्क्स के लिए। सेम चीज अगर समरी राइटिंग, अब ये जो आपको पैसेज दिया जाएगा इसी पैसेज के बेसिस पर आपको समरी भी लिखनी रहेगी, जो आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा, आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा। अब ये अगर मैं बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 1A6 एक्टिविटीज, तो जितनी भी एक्टिविटीज है ये आप कहां से प्रैक्टिस करोगे, आपके पास कोई बुक होगा, रिलायबल होगा, डाइजेस्ट होगा, टारगेट होगा, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, इस ये वाली चीज की आप क्या प्रैक्टिस क्या कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक वाली चीज है, आपका पैसेज जो है सेक्शन 1 में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें से ही एक पैसेज आएगा और आपको आंसर क्या करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आता है आपका माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग कैसे लिखना है, समरी कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये आपके 3-3 मार्क्स यानी 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन 2 पोएट्री वाला सेक्शन। अब इसमें अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड ऑन टेक्सुअल एक्सट्रैक्ट ऑफ 10-15 लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको पोएम दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 2 से जो आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर एक आपको अप्रिसिएशन आएगा जो कि आपके 4 मार्क्स ले आएगा। ठीक है, अब अप्रिसिएशन कैसे लर्न करना है, किस तरह से लर्न करना है, वो सारी चीजें हमारा पंच का बादशाह जब चालू होगा तो वहां पे मैं खुद आपको लाइव क्या सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते राइटिंग स्किल की अगर बात करूं तो राइटिंग स्किल देखो 16 मार्क्स का आपका यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे देखो एक आपका ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज आता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। अब हर एक राइटिंग स्किल आपको 3-3 ऑप्शन दिया, हर एक क्वेश्चन में 3-3 ऑप्शन दिया। क्वेश्चन नंबर 4A में 3 दिया उसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4B में 3 दिया उसमें से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4C में 3 दिया उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 4D में आपको दिया है 3 उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं क्या अटेम्प्ट करता, मेरे लिए इजी क्या पड़ता, मेरा पेपर किस तरह से जल्दी होता, तो सबसे अच्छा बताओ। तो सबसे पहले आता है ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, ये मेरे लिए बहुत इजी पड़ता तो मैं वो यूज करता। क्वेश्चन नंबर 4B में अगर मैं बात करूं तो मैं इंटरव्यू के लिए जाता, कुछ एवरग्रीन में इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए देता, वो आप क्या करते हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4C स्पीच कंपेयरिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, यहाँ पे मैं एक्सपेंशन ऑफ आइडिया या फिर स्पीच दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करता। ठीक है, और वही क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू में क्या जाता, चाहे रिव्यू ऑफ मूवी या फिर रिव्यू ऑफ बुक, कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हम लोग। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है आपके 4 मार्क्स का क्या आता है, 4 4 4 4 कितने मार्क्स हो गया, 16 मार्क्स का हो गया। और इसकी ऑलरेडी मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आपके 12 के 12 जो राइटिंग स्किल है मैंने आपको एक्सप्लेन क्या की है। अब आते हैं आपके नॉवेल सेक्शन में, नॉवेल की अगर मैं बात करूं तो नॉवेल आपके एक्टिविटीज जो रहती है, सबसे पहला जो नॉवेल आता है वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू ऑर फॉल्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल, ऐसे क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये 4.1 से सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं ये 4 मार्क्स के लाएगा। अब क्वेश्चन बी, अब यहाँ पे जितने भी बाकी सारी चीजें रहेंगी ये सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी, 4.2, 4.3, 4.4
तो इनमें से आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जहां पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर इट, ठीक है। तो ये दिया रहेगा, तो ये आपके चार मार्क्स के लिए सारी चीजें आएंगी। और इस तरह के जैसे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, प्लॉटिंग पूछा जाएगा, स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या है, थीम क्या है, सेटिंग क्या, लैंग्वेज क्या, कैरेक्टर क्या, उस चीज के बारे में आपको पूछा जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ऐसे करके आपके टोटल 16 मार्क्स के, ये नॉवल का आता है, 16 मार्क्स का आपका नॉवल होता है, 16 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल होता है, जिसे अब मिला के अगर मैं बात करूं तो आपके 32 मार्क्स तो यहीं पे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है जहां पे आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।